इस जंगल में तेंदुआ देखा गया था, हाथी, शेर, बाघ, इन जानवरों का यहाँ पे आना जाना लगा होता है और यहाँ पे काफ़ी खतरनाक खतरनाक जानवर रहते हैं। विशालकाय अजगर भी यहाँ पे पाए जाते हैं और इस जंगल में हम लोग रिलीज करने के लिए आए हुए हैं। हम लोग भी काफ़ी अलर्ट, काफ़ी सावधान होते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मौर्य स्नेक्स। और आज की रेसा गोंडा जिला के खड़ुआ गांव से मौका पे हम पहुंच चुके हैं। यहां पे घर के अंदर बेडरूम में कोई स्नेक दिखा गया, काला काला। अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा हो। चलते घर के अंदर देखते हैं कौन सा स्नेक है, रेस्क्यू किया जाता है, रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित फॉरेस्ट में रिले जाएगी जहाँ अपना जीवन आसानी से निर्भय होकर के व्यतीत कर सकेगा। तो हम चलते ही देखते घर के अंदर कौन सा स्नेक है। चलिए सर बताइए। स्पेक्टिकल्ड कोबरा भारतीय नाग है, देखिए और काफी तंदुरुस्त दिख रहा है। इस समय स्नेक शीत निद्रा की तैयारी में लगे हुए हैं और ये अपनी ठंडी बिताने के लिए सुरक्षित आशियाने की तलाश में है। तो शायद ये जगह को चुन चुके हैं। बहुत बुरा भूखा आ रही है, खड़ा हो गया। आप देख सकते हैं कैसे वाइट लेने का काटने का प्रयास कर रहा है। आप इसके अटैक को देख सकते हैं। पकड़े हुए हैं सर, पकड़े हैं। ये देखो भैया, आइए आइए आइए, वापस ये मम्मी। बहुत बड़ा भैया, अरे बिल्कुल ना। आप देख सकते हैं इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा। आप देख सकते हैं कितना स्वस्थ, कितना तंदुरुस्त कोबरा है। इसके अटैक को देख सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं कैसे वाइट लेने के मूड में है। आप देख रहे हैं इसके होंठ पे, इसके फन पे कितना खूबसूरत स्पेक्टिकल की मुहर बनी हुई है। आप देख सकते हैं कैसे वाइट लिया, ये काटने के लिए रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। आप देख सकते हैं इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा भारतीय नाग, जो कि ये कल से बेडरूम में छिपा हुआ था। इसने एक शीत निद्रा की तैयारी में है और ये इस समय तेजी के साथ शिकार कर रहे हैं। और ये जहाँ तक कि ये अपने सुरक्षित आशियाना खोज चुका था, लेकिन लोगों की निगाह पड़ गई और निगाह पड़ने के कारण हमें सूचना दी है और हम मौका पहुँचे, इसने को रेस्क्यू किए हैं। आप देख सकते हैं कितना हिस्ट पुष्ट सयाना। और ये कहा जाए कि ये किसी खाए पिए परिवार से मिलान करता है तो कोई ताज्जुब नहीं। आप इसके स्वास्थ्य को देख सकते हैं, यहाँ पे इन्हें पूरा पूरा आहार मिल रहा था
जो कि आप देख सकते हैं ये अपने स्वास्थ्य को कितना अच्छा बनाए हुए हैं। इनकी उम्र कितनी होती है सर? इनकी उम्र लगभग 15 वर्ष के आसपास है। आप अटैक को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कैसे वाइट किया। यहाँ पे वाइट किया और बेनम डाला। अगर यही इंसान के शरीर के अंदर बेनम को इजेक्ट कर दे तो 2.5 से 1.5 घंटा के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। और इन्हें पैक करते हैं और लेके चलते हैं फॉरेस्ट, जहाँ पे इन्हें रिलीज किया जाएगा। सब दीजिएगा थैला, ये खोल दीजिए। ये हमेशा सावधान चौकन्ने होते हैं, अपने आसपास होने वाली हर गतिविधि पर ध्यान देते हैं और इन्हें हम पैक करते हैं। चलिए 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 चलिए, गुस्साइए नहीं गुस्साइए नहीं, नहीं नहीं नहीं, चलिए 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 चलिए। इसने को हम थैले के अंदर डाल चुके हैं, इसने को हम पैक कर चुके हैं और लेके चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ, जहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। अपना जीवन आसानी से व्यतीत करेगा निर्भय होकर के। आप लोग इस कोबरा को बचा के बहुत पुण्य का काम किए हैं। ये मान के चलिए कि एक कोबरा बचा का कीमत होता है जैसे इंसान की ज़िंदगी बचाना, क्योंकि इनका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो कि इनके जहर से अनेकों प्रकार की मेडिसिन तैयार किए जाते हैं। इनके जहर से तैयार किया गया मेडिसिन यूज होता है और ये अगर किसी को वाइट ले लेते हैं तो इन्हीं के जहर से तैयार किया गया एंटीडोज जो उपयोग किया जाता है, जिससे हम लोगों के प्राण बचते हैं। तो ऐसे जीव को बचा करके आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इस जीव को बचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसने को पैक कर चुके हैं और लेके चलते हैं फॉरेस्ट की तरफ, जहाँ पर इन्हें रिलीज कर दिया जाएगा। और यहाँ पे भयानक से भयानक जानवरों का आना जाना होता है। अभी बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले इस जंगल में तेंदुआ देखा गया था, हाथी शेर बाघ इन जानवरों का यहाँ पे आना जाना लगा होता है। और यहाँ पे काफ़ी खतरनाक खतरनाक जानवर रहते हैं, विशालकाय अजगर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और इस जंगल में हम लोग रिलीज करने के लिए आए हुए हैं। हम लोग भी काफ़ी अलर्ट काफ़ी सावधान होते हैं कि किस तरफ से कौन जानवर अटैक मार जाए, तो इन सब बातों का ध्यान देते हुए हम लोग इस फॉरेस्ट में विचरण करते हैं। यहाँ पे जंतुओं को रिलीज करने के लिए आते हैं, काफ़ी रिस्क होता है, किंतु ये इन जंतुओं के लिए स्नेक के लिए काफ़ी उत्तम जगह होता है, जहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करते हैं और यहाँ पे आसानी से जीवन बिताते हैं। और यहाँ पे इन्हें पर्याप्त शिकार भी मिला करते हैं, क्योंकि इंसानी बस्ती में खतरा होता है, कभी ये घर में आ जाते हैं, कभी खेत मैदान में पहुँचते हैं, क्योंकि पेट है तो शिकार तो करना ही पड़ेगा, लाजमी सी बात है। तो ये शिकार के चक्कर में आया करते हैं। आप देख रहे हैं कि जंगल के कितने भ्रामक रोड होते हैं कि थोड़ा सा भी भटक जाएं तो आप घूमते रहेंगे जंगल में। इसीलिए हम वीर बहादुर भाई को लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ के ये माहिर हैं, यहाँ जंगल के बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से जानकारी रखते हैं। और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इसने को रिलीज करते हैं, यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करके आसानी से जीवन व्यतीत करेगा, आसानी से जीवन व्यतीत कर सकेगा निर्भय होकर के। और मौका पे हम पहुँच चुके हैं, पहुँच चुके हैं उसने को यहीं पे रिलीज करते हैं। आप देख रहे हैं ये कितना खूबसूरत फॉरेस्ट है, गोंडा डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा फॉरेस्ट। और यहाँ पे ये जानवर अपने आप को एडजस्ट करके आसानी से जीवन, और इस जंगल में हिंसक पशु भी रहते हैं, कभी कभी विशालकाय अजगर से मुलाकात हो जाती है, क्योंकि इन जानवरों का वास्तविक घर यही है। गवर्नमेंट इसीलिए इतना जगह फंसाया हुआ है, यहाँ पे वन्य जीव को संरक्षित किया जा सके। और हम लोग मौका पे आ चुके हैं, साथ में हमारे कुलदीप भाई। रेस्क्यू हुआ,
गोंडा जिला के खड़ुआ चौराहा सुशील तिवारी के यहाँ से इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा और ये बेडरूम में छिपा हुआ था। काफ़ी मशक्क़त के बाद गया और हम इन्हें रिलीज करने के लिए आ चुके हैं फॉरेस्ट में। आप देख रहे हैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट का कितना खूबसूरत फॉरेस्ट है और साथ में हमारे वीर बहादुर भाई हैं। भी फॉरेस्ट में आते हैं तो भाई साहब को लेके आते हैं, क्योंकि खुद भी आते हैं हमें भी लेकर के आते हैं, क्योंकि ये यहाँ के मूल निवासी हैं इसलिए इन्हें ले आना जरूरी होता है, क्योंकि इस जंगल के मुझे भी अच्छा लगता है। जी जी धन्यवाद, जी जी धन्यवाद। और यहाँ के रास्ते ऐसे होते हैं कि हम लोग यहाँ के जंगल में भटक जाते हैं, तो भाई साहब होते तो काफी आसानी होता है क्योंकि ऐसी समस्या नहीं होती। और इनका स्वभाव में काफी अच्छा लगता है, ये पूरी पूरी काटे मुद्रा में है, ये शरीर अगर थोड़ा और टाइट हो जाए ढीला हो जाए हमारे घटा। और ये व्हाइट की स्थिति में बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। इनका पूरा प्रयास है कि हमारे हाथ तक ये पहुँच जाए। अपने आसपास होने वाली हर गतिविधि पे ध्यान देते हैं। ये इस स्थिति में काफी प्यारे लगते हैं। पीछे साजी, पीछे उनसे खतरा, देखिएगा देखिएगा व्हाइट व्हाइट मारेगा ये होता है सर, सांप और बेन का ये रिश्ता होता है। अगर इस स्थिति में पा जाएगा तो वाइट कर लेगा, जरूर वाइट कर लेगा। और अब ये जाना चाहता फॉरेस्ट में, इसे जाने देते हैं क्योंकि हमने रिलीज करने के लिए आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं इसने कितना खूबसूरती के साथ फॉरेस्ट में जा रहा है। बढ़ के लीजिए, बढ़ के लीजिए, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरती के साथ इसने अपने प्राकृतिक परिवेश नेचर में जा रहा है। यहाँ पे एडजस्ट करके अपना जीवन आसानी से व्यतीत करेगा इंसानी बस्ती से दूर। बढ़ के लीजिए, बढ़ के लीजिए। और इसने अपने प्राकृतिक परिवेश नेचर में जा चुका है। हमारा जंतु बचाने का कार्य अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देकर के इस एपिसोड को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।